नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। ज्योतिष और खगोल शास्त्र के नज़रिए से साल 2020 काफ़ी महत्वपूर्ण साल रहा। इस साल कुल मिलाकर 6 ग्रहण लगे, जिसमें से छठा और आखिरी ग्रहण 14 दिसंबर को लगने जा रहा है। ये ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा। ज्योतिष विदों के मुताबिक ये सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि और मिथुन लग्न में लगेगा। भारतीय समय के मुताबिक इस सूर्य ग्रहण का समय शाम 7:03 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति मध्य रात्रि में यानी 15 दिसंबर की रात 12:23 पर होगी। सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे की रहेगी। ये खंड ग्रास सूर्य ग्रहण होगा। 14 दिसंबर को लगने जा रहे सूर्य ग्रहण के दौरान वृश्चिक राशि में 5 ग्रह मौजूद रहेंगे। इसे पंचग्रही योग कहा जा रहा है। ज्योतिष गणना के मुताबिक सोमवती अमावस्या पर वृश्चिक राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और केतु विराजमान रहेंगे। ऐसी स्थिति कई वर्षों बाद बन रही है। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये ग्रहण दक्षिणी अफ्रीका, अधिकांश दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर और अंटार्कटिका में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। आमतौर पर सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जिसमें सूर्य कार्य वर्जित होते हैं। ज्योतिष के मुताबिक भले ही ये ग्रहण भारत में नज़र ना आए, लेकिन इसका प्रभाव राशियों पर पूर्ण रूप से पड़ेगा। इसकी प्रभाव राशि वृश्चिक बताई गई है। इस ग्रहण काल के दौरान इस राशि वालों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ज्योतिष विदों के मुताबिक इस सूर्य ग्रहण पर बेहद अशुभ गुरु चंडाल योग बन रहा है। राहु और गुरु के एक ही स्थान पर बैठने से गुरु चंडाल योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मेष, कर्क, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि पर गुरु चंडाल योग का सबसे बुरा असर पड़ सकता है। बता दें कि ये घटना हमेशा अमावस्या को ही होती है। 14 दिसंबर को भी अमावस्या ही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।